स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा दसवीं विषय हिंदी पार्ट 20 योगी अरविंद इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको पाठ का सारांश समझा दिया है, आज मैं आपको प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ। आप ध्यान से समझिए। देखिए, प्रश्न पहला दिया है इसमें, अरविंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर रहेगा, योगी अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1972 को कोलकाता में हुआ था। प्रश्न दूसरा है, अरविंद ने कौन सी भाषाएं सीखी? अरविंद ने संस्कृत, ग्रीक, बंगला, लैटिन, इटालियन, स्पेनिश और फ्रेंच भाषाएं सीखी। ये आपका दूसरा आंसर था। थर्ड वाला देखिए, अरविंद ने बड़ौदा क्यों छोड़ दिया? 1905 में जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था, उस समय अरविंद बड़ौदा कॉलेज में उप प्रधान के पद पर कार्य कर रहे थे। जब बंग भंग आंदोलन चला तो इन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया और कोलकाता आ गए और स्वाधीनता की लड़ाई में इन्होंने भाग ले लिया। आगे का देखिए, फ्रांसीसी महिला अरविंद से मिलने पांडिचेरी क्यों आई? अरविंद जी राजनीति छोड़कर योग साधना के लिए निकल पड़े। इन्होंने पांडिचेरी में आकर के पांडिचेरी को योग साधना केंद्र बनाया। उस समय पांडिचेरी फ्रांस के अधीन थी। मीरा अल्फांसा ने योग साधना के विषय में सुन रखा था और 1914 में ये योगी अरविंद से मिलने के लिए योगी आश्रम पांडिचेरी आई। अरविंद ने किस प्रकार की साधना की? अरविंद जी ने सनातन सत्य चेतन पुरुष को जीवन में उतारने की साधना की। आया समझ में? सनातन सत्य पुरुष को जीवन में उतारने की साधना की। बंग भंग आंदोलन का अरविंद पर क्या प्रभाव पड़ा? योगी अरविंद बड़ौदा कॉलेज की नौकरी छोड़ करके बंग भंग आंदोलन शुरू होने पर ये कोलकाता आ गए और इन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई में भाग ले लिया। वहां पर आकर के तभी सन 1905 में बंग भंग आंदोलन छिड़ गया था। इस आंदोलन के कारण अरविंद ने बड़ौदा छोड़ दिया, वे कोलकाता आ गए। वहां उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और भारत को स्वतंत्र कराने में सहायता करने लगे, विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करवाने लगे। इसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आगे का प्रश्न देखिए, सादा जीवन उच्च विचार का आशय समझाइए। सादा जीवन उच्च विचार, जीवन में दिखावा ना करना और मन के भाव विचार ऊंचे स्तर पर होना, साधारण खान पान होना, रहन सहन व्यवहार से जीवन जीते हुए श्रेष्ठ मानवीय विचारों का पालन करना ही सादा जीवन कहलाता है। चमत्कार, प्रदर्शन और अहंकार से दूर रहना चाहिए। पवित्र, शुद्ध और जनहितकारी विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही सादा जीवन और उच्च विचार कहलाता है।
आगे का प्रश्न देखिए। पत्नी की निराशा को दूर करने के लिए अरविंद ने पत्र में किस प्रकार समझाया? पत्नी की निराशा को दूर करने के लिए अरविंद ने समझाया कि ईश्वर के प्रति मेरा गहरा विचार है, क्योंकि उनकी पत्नी मृणालिनी ने उनको पत्र लिखा था कि उनके चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी पत्नी को समझाया कि ईश्वर में मेरा गहरा विश्वास है, ईश्वर ने जो कुछ भी हम लोगों को दिया है वह हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो भी कुछ बचता है वह देश की सेवा, देश के हित के लिए लगाएं। यदि हम उसको संजो कर रखते हैं तो हम चोर कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ हम ईश्वर को ही तो वापस कर रहे हैं। मैं भारत माता यानी भारत में रहने वाली 30 करोड़ लोगों को अपना भाई बहन मानता हूं। यदि मैं सुख सुविधा से रहता हूं और उनको एक समय का भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा तो यह धन हमारे किस काम का जो दूसरों की सहायता ना कर सके? ऐसा धन हम नहीं रख सकते, ऐसा धन रखकर हम चोर कहलाएंगे। तो उन्होंने पत्र में अपनी पत्नी मृणालिनी को इस तरह से समझाया। अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे, स्पष्ट कीजिए। अरविंद जब बड़ौदा में साधनामय जीवन की ओर जा रहे थे तब भी उनमें दिव्य तेज था। एक बार वे गुरु की तलाश में थे। वे नर्मदा किनारे गंगा मठ में ब्रह्मानंद जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ब्रह्मानंद किसी को सामने से अपनी नजर उठा करके कभी नहीं देखते थे, लेकिन जैसे ही योगी अरविंद का जाना होता है और वे योगी अरविंद को देखने लगते हैं, जैसे ही वो योगी अरविंद को देखते हैं तो उनके जीवन का सार योगी अरविंद अपने जीवन में उतार लेते हैं। और जब वो उनके जीवन का सार उतारते हैं और पूर्ण जीवन उनका ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है, और 4 दिसंबर 1950 को वो अपने भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं, इसलिए वो दिव्य आत्मा के धनी कहलाए। आगे का प्रश्न देखिए। भाषा अनुशीलन, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वाधीन पराधीन का हो जाएगा, स्वाधीन स्वदेश का हो जाएगा, विदेश प्रेम का हो जाएगा, घृणा उच्च का हो जाएगा, नीच विश्वास का हो जाएगा, अविश्वास। अब देखिए आगे का पर्यायवाची शब्द नश्वर, इसके हो जाएंगे नाशवान और क्षणभंगुर। देवता सूर्य देव, पृथ्वी धरती भूमि, सृष्टि ब्रह्मांड संसार, ज्योति ज्योत और ज्वाला। दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। अब हमें वाक्य परिवर्तित करना है। अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, इसको प्रश्नवाचक बनाना है। जब हमें कोई प्रश्नवाचक बनाना हो तो हम लिख सकते हैं उसके आगे क्या। क्या अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, ये प्रश्नवाचक बन गया। दूसरा बनाना है निषेधवाचक, जिसमें मत और नहीं का प्रयोग किया जाता है। वे कलकत्ता आए, ये साधारण वाक्य है। अब इसे निषेध में बनाना है, वे कलकत्ता नहीं आए। इच्छावाचक, अरविंद ने आर्य नामक पत्र निकाला। इसके दो बन सकते हैं, भगवान करे अरविंद आर्य नामक पत्र निकाला।
या फिर ऐसा भी बना सकते हैं, अरविंद आर्य नामक पत्र निकालते। घ नंबर, सब कुछ अपने सुख विलास के लिए करने पर मैं चोर कहलाऊंगा। अब इसे हमें संकेत वाचक वाक्य में ले जाना है। सब कुछ अपने सुख विलास के लिए कर दूंगा तो चोर कहलाऊंगा। आगे का विस्मयादि बोधक में बनाना है। अरविंद योग मानव थे, वार विस्मयादि बोधक का चिन्ह, अरविंद योग मानव थे, तो ये हमारा हो जाता है। ये हमारा पूरा पाठ हमने आपको समझा दिया, इसके प्रश्नों के उत्तर भी समझा दिए, भाषा अनुशीलन भी समझा दिया। हमारा पूरा पाठ हो गया। धन्यवाद।